वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सरकम और ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का सवाल है कि क्या वाईफाई की जगह ले पाएगा लाईफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं लाईफाई के बारे में कि लाईफाई क्या होता है और हम लोग यहाँ पे वाईफाई के साथ लाईफाई की बात क्यों कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज लाईफाई। लाईफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है, यानी कि लाईफाई का पूरा नाम क्या है, लाइट फिडेलिटी है। और लाईफाई क्या है, एक तरह की वायरलेस तकनीक है जो दृश्य प्रकाश संचार का उपयोग करते हुए उच्च गति के डेटा को प्रसारित करती है। अगर वाईफाई की बात करें तो वाईफाई है वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। वहीं लाईफाई की बात करें तो लाईफाई क्या है, लाइट फिडेलिटी, यानी कि अब वो दिन दूर नहीं कि हम लोग प्रकाश के थ्रू यानी कि लाइट के थ्रू भी डेटा को प्रसारित कर पाएंगे, यानी कि डेटा का ट्रांसमिशन कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर हेराल्ड हैस ने की थी, ठीक है। तो हेराल्ड हैस ने देखिए 2011 में कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा, लोगों को बताया कि लाइट की मदद से आप कैसे डेटा का ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लाईफाई टेक्नोलॉजी बाकी सभी टेक्नोलॉजी जो डेटा का ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन करती हैं उन सबके मुकाबले कई गुना तेज काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर लाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी तक हम लोग डेटा ट्रांसमिशन के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करा है उनसे कई गुना तेज काम करने वाली टेक्नोलॉजी ये होने वाली है। इसके एक टेस्टिंग के में प्रोफेसर हेराल्ड हैस ने डाटा को ट्रांसफर करके दिखाया, यानी कि इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, डेटा को ट्रांसफर किया। तो उस टाइम पे देखिए इसकी स्पीड क्या बताई गई, 224 GB/s। यानी कि मान के चलिए वाईफाई की 100 गुना स्पीड हमारी ये लाईफाई की है, 200 GB/s की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर किया गया। लाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जो दृश्य प्रकाश संचार यानी कि प्रकाश के थ्रू गति को उच्च गति के डेटा को ट्रांसफर करती है। और लैब में इसकी स्पीड क्या हुई, 224 GB/s की स्पीड यहाँ पे दिखाई गई। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम इसके इतिहास के बारे में, लाईफाई का इतिहास क्या है। तो पहली बार 2011 के जर्मन भौतिक विज्ञानी यानी कि वैज्ञानिक हेराल्ड हैस के द्वारा टेड टॉक में प्रदर्शित किया गया, यानी कि उन्होंने इसको टेड टॉक में इसको प्रदर्शित किया। यह तकनीक लॉस वेगस से 2012 के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शो में कैसियो स्मार्टफोन की जोड़ी का उपयोग करके डेटा को आदान प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करके किया गया था, यानी कि एक स्मार्टफोन के जरिए इन्होंने डेटा को ट्रांसफर करके दिखाया था। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी कि VLC एक सुरक्षा पहलू है या लाइन ऑफ साइट कार्यप्रणाली है। इसका मतलब है डिवाइस को प्रकाश ट्रांसमीटर पर दृष्टि की एक पंक्ति में होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट रेडियो सिग्नलों की दीवारों को भेद नहीं सकती। यानी कि देखिए यहाँ पे बताया गया VLC टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जो कि क्या है, सिक्योरिटी पर्पज से इसका किया गया। तो ये क्या है, देखिए लाइट क्या है, मतलब रेडियो सिग्नलों की दीवारों को भेद नहीं सकती है। तो ये क्या है, वायरलेस इंटरनेट सिग्नलों को हैक करना बहुत ही अधिक मुश्किल होता है, इसलिए लाईफाई टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे सिग्नलों को हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लाईफाई के फायदे जानते हैं। यहाँ पे देखिए लाईफाई वाईफाई की तुलना में बहुत सस्ती होती है और इसे कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और संचार का सुरक्षित साधन है क्योंकि ऑप्टिकल तरंगे यानी कि ऑप्टिकल वेव्स हैं वो वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्टिकल तरंगे दीवारों से होकर नहीं गुजर सकती। यह संचार के बहुत तेज माध्यमों पर ऑप्टिकल स्तर पर काम करता है, यानी कि स्पीड जो होने वाली है वो बहुत ही फास्ट होगी इसकी। लाईफाई टेक्नोलॉजी हैकिंग जैसी मुसीबतों को रोकने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, इसका रीज़न हम लोग जान चुके हैं। और लाईफाई में बहुत सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद भी इसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि आप एक से ज़्यादा कई डिवाइसेस को एक साथ जोड़ सकते हैं लेकिन इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में अधिक डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी वाईफाई से 100 गुना तेज होगा, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो वाईफाई से 100 गुना तेज होगी और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। लाईफाई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव एरिया जैसे कि विमान के केबिन, अस्पतालों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के बिना उपयोगी होने का फायदा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे वाईफाई वर्क नहीं करता यहाँ वहाँ यूज नहीं कर सकते, लाईफाई हमारा वहाँ भी वर्क करेगा, जैसे कि विमान के केबिन, अस्पतालों इत्यादि में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसके उपयोग की। तो देखिए इसका उपयोग कैसे होता है, लाईफाई टेक्नोलॉजी में LED बल्ब होगा और उस बल्ब की लाइट रेंज जहाँ तक होगी वहाँ तक लाईफाई की भी रेंज होगी, यानी कि प्रकाश की रेंज जहाँ तक होगी, मान लीजिए प्रकाश पड़ रहा है तो जहाँ तक ये प्रकाश की रेंज होगी वहीं तक ही हमारी लाईफाई की
रेंज भी होगी। तो कहने का मतलब है कि जो रेंज प्रकाश की होगी वही रेंज क्या होगी हमारे वाईफाई की भी होगी। रेंज को बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करी जाएंगी, जैसे कि हम लोग वाईफाई के लिए भी करते हैं, जैसे कि लाइट लगाई जाएगी जिससे आपको होम या ऑफिस पूरे एरिया को कवर किया जा सके। ठीक है, यानी कि अब आप एक जगह बैठ के अपना ऑफिस तो चला नहीं सकते, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर ऑफिस काम चलता है, तो वहाँ पर अगर हम लोगों को नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट के थ्रू उसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये उसी प्रकार होगा जैसे कि वाईफाई को रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग इस राउटर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको वाईफाई का उपयोग भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। ऐसी जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ एजुकेशनल पोस्ट जैसे कि GS, करंट अफेयर, कंप्यूटर और CTET या UPTET की पोस्ट पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।